बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ख़वातीन हज़रात। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी में आज ही हमारा 17वां सेशन है और आज हम इंशाल्लाह उसूलुल दीन में से अदालत के मौजू पे गुफ्तगू मौलाना साहब अपनी शुरू करेंगे। और आज हमने कोशिश ये करी कि हम थोड़े से स्लाइड्स भी दिखाएं, साथ साथ जो मौजूदात के जो अहम नुकात हैं वो स्लाइड्स भी हम दिखाएंगे। और अगर आपके कोई सवालात हो अदालत के मुतालिक या अदल के मुतालिक तो आप बेशक कर सकते हैं, और अगर दीगर सवाल हैं किसी और मौजू पे तो वो हम इंशाल्लाह आखिर में अपने मुतफरक सवालात के सेशन में कर लेंगे। तो मजीद कुछ वक्त जाए के बगैर मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। और सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमुन नबीयीन रहमतुलिल आलमीन अबुल कासिम मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदला। सामईन गिरामी, जैसा कि आप वाकिफ हैं कि अकीदा तौहीद के ऊपर हमारी गुफ्तगु गुज़िश्ता नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई थी, और तौहीद के बाद हम उसूल दीन की बात करते हैं और पांच उसूल दीन हमारे सामने आते हैं। तो तौहीद के बाद अदालत, अदालत के बाद नबूवत, फिर इमामत और फिर कयामत। तो अब उसी तरतीब के एतबार से हम आज तौहीद से आगे बढ़ के इंशाल्लाह अदालत के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अब यहाँ पर एक वजाहत जो पहले करना है वो ये है कि अदालत एक ऐसा अकीदा है कि जो तुर्रे इम्तियाज है मकतबे तशय्यो का। मकतबे तशय्यो के अलावा आज दुनिया में जितने भी मुसलमान आबाद हैं वो, जैसा कि हमने पहले बताया था, कि मकतबे इशायरा के पाबंद हैं, और मकतबे इशायरा में अदालत का तसव्वुर नहीं है, वो अदालत को तस्लीम नहीं करते। इसके बरखिलाफ एक मकतब जिसका पहले हम अक्सर जिक्र कर चुके हैं, मकतबे मोतजला। मकतबे मोतजला में अदालत को तस्लीम किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि दुनिया में मोतजला मकतब न होने के बराबर रह गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अदालत का अकीदा सिर्फ मकतबे तशय्यो के पास है। अच्छा, अब एक बात इम्तियाज की हद तक आपने सुन ली। अब एक दूसरी वजाहत, दूसरी वजाहत यह है कि जब हम कहते हैं कि उसूल दीन पांच हैं, तौहीद, अदालत, नबूवत, इमामत और कयामत, तो दरअसल सूरत हाल यह है कि तौहीद का फैलाव, तौहीद की वजाहत और तौहीद की वसअतों में जब हम जाते हैं तो अदालत एक एतबार से तौहीद से मुत्तसिल एक अकीदा है। लिहाजा हम अदालत को एक एतबार से उसूले दीन के बजाय उसूले ईमान कहते हैं। बुनियादी तौर पर उसूले दीन में गिनते जरूर हैं, लेकिन क्योंकि उसूले दीन का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करें तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी शख्स अगर किसी एक उसूल पर ईमान न रखे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब क्योंकि अदालत तौहीद का फैलाव है, लिहाजा अगर एक शख्स तौहीद को कबूल कर ले लेकिन अदालत को कबूल ना करे तो हम उसको दायरे इस्लाम से खारिज नहीं समझते। इसी तरीके से हमारा दूसरा इम्तियाज, जिसका इंशाल्लाह वक्त पर तस्किरा होगा, वो है अकीदे इमामत। और अकीदे इमामत भी इसी तरीके से
नबुवत का फैलाव है, अकीदा नबुवत का फैलाव है, जिस तरह अदालत अकीदा तौहीद का फैलाव है। तो क्योंकि इमामत अकीदा नबुवत से मुत्तसिल है और अदालत अकीदा तौहीद से मुत्तसिल है, लिहाजा हम इन दोनों को उसूल ईमान कहते हैं, उसूल दीन नहीं कहते, ताकि वो लोग के जो इसको तस्लीम नहीं करते उनको दायरे इस्लाम से खारिज ना समझा जाए। तो ये एक बुनियादी चीज और थी जो हमने आपके सामने रख दी। अच्छा, अब जब यहां तक बात पहुंचती है तो फौरन जहनों में ये ख्याल पैदा होता है कि दीन में और ईमान में क्या फर्क है, क्या दीन और ईमान दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है। तो इस सिलसिले में हमें ये वजाहत करना जरूरी हो जाता है कि दीन और ईमान बुनियादी तौर पर इस तरह से मिले हुए हैं कि जब इमाम से सवाल किया गया था कि मौला इस्लाम में और ईमान में क्या फर्क है, तो आपने इरशाद फरमाया था कि इस्लाम हरम है और ईमान काबा। अब देखिए बात क्या है कि हरम की हुदूद पहले शुरू हो जाती, एक पूरा इलाका है जिसको हम हरम कहते हैं, और काबा जो है उस हरम के दरमियान वाक़ है। लिहाजा अगर कोई शख्स कस्त करे काबे का तो काबे तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि हरम में दाखिल नहीं। इस एतबार से हम ये कहते हैं कि ईमान मतलूब मकसूद इंसान है, लेकिन ईमान तक पहुंचने के लिए इस्लाम में दाखिल होना, दीन में दाखिल होना लाजमी है। तो ये एक रब्त और ताल्लुक है दीन में और ईमान में। लेकिन हम जब यहां पर ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अदालत और इमामत उसूल दीन नहीं है बल्कि उसूल ईमान है, तो इसका मतलब क्या लेते हैं हम? इसका मतलब हम ये लेते हैं कि अगर कोई शख्स तौहीद नबूवत और कयामत को मानता है तो हम उसको मुसलमान तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन अगर वो अदालत और इमामत को भी तस्लीम करे तो फिर हम उसे साहिब ईमान मानते हैं यानी मोमिन कहते हैं। इस एतबार से एक फर्क ईमान और दीन का आपके सामने आया, लेकिन ये एक ही जाविया है। अगर हम आगे बढ़ें और थोड़ी सी और वजाहत कर दें इस बात की को कि हमारा मौजू अदालत है और ईमान और इस्लाम का फर्क यहाँ पर हमारे मौजू का बुनियादी हिस्सा नहीं है, लेकिन जब बात निकली है तो अच्छा है कि हमारे सामीन जो हैं वो इस नुक्ते को भी समझ लें। देखिए, हम अक्सर कहते हैं, दुआ करते हैं, खास तौर से नमाज जनाजा में दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, परवरदिगार बख्श दे मोमिनों को और मोमिनात को, और बख्श दे मुसलमानों को और मुसलमान खवातीन को। तो यहाँ मोमिन और मुस्लिम में क्या फर्क है? यहाँ पर मोमिन और मुस्लिम का फर्क एक और अंदाज से हमारे सामने है। वो ये है कि कुछ लोग वो हैं कि जो दीन को या दीन के उसूलों को सिद्क़ दिल से तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन अक्लन उनके पास दलाइल नहीं होते, वो अकली तौर पर जहनी तौर पर उसूल दीन को अपनी अक्ल से समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ कबूल करते हैं। तो ये सिर्फ कबूल करने वाले मुसलमान, और जो उसके ऊपर तफक्कुर करें, गौर व फिक्र करें और उसके बाद उनका नतीजा फिक्र वो हो जो दीन का उसूल है, और फिर जैसे जैसे मेयार अकली और मेयार इल्मी बढ़ता जाए उन
की मारफत उसूल दीन भी बढ़ती जाए, यानी अगर तौहीद के ऊपर बात हो रही है तो मारफत इलाहिया बढ़ती जाए, अदालत के ऊपर बात हो रही है तो मारफत सिफात परवरदिगार आलम बढ़ती जाए, अगर नबूवत पर बात हो रही है तो मारफत नबूवत बढ़ती जाए। तो ये वो चीजें हैं कि ये अगर किसी शख्स की जिंदगी में शामिल हैं और वो एक सैर तकामुल कर रहा है तो उसको हम मोमिन कहेंगे, और जो इस सैर तकामुल में शामिल नहीं है लेकिन बहरहाल अकीदे के एतबार से दीन को मानता है उसको मुस्लिम कहेंगे, एक फर्क ये आ जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ के अगर हम देखें तो एक फर्क और आ जाता है, वो ये है कि इंसान, जैसे एक हम आपको एक मिसाल दें, जितने मुसलमान हैं सबका ये अकीदा है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह की नजर से हम पोशीदा नहीं है, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह नाजिर है, सबका अकीदा है। लेकिन कुछ लोग वो हैं कि इस अकीदे के बावजूद गुनाह कर लेते हैं, और कुछ लोग वो हैं कि इस अकीदे की जो उनके नफ्स के ऊपर एक कैफियत तारी हुई है, एक असर हुआ है, उसके नतीजे में वो गुनाह करते हुए घबराते हैं, डरते हैं, गुनाह उनसे सरजद नहीं होता। तो देखिए अकीदे में तो दोनों बराबर हो गए, अकीदे में दोनों का फर्क नहीं है, लेकिन उस अकीदे का नफ्स पर असर जो है वो अलग अलग है। तो अकीदे का नफ्स पर असर अगर वाज़े तौर पर नजर आए तो इसको हम कहते हैं ईमान। और इस सिलसिले में कुरान में भी सूरह हुजरात की 14वीं आयत है कि قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، कि ऐ रसूल ये अरब आके आपसे कहते हैं कि हम ईमान ले आए तो इनसे ये कहो कि तुम ईमान, ये ना कहा करो कि ईमान लाए, तुम ये कहा करो कि इस्लाम लाए, और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लोगों के इस्लाम को कबूल कर लिया गया है क्योंकि वो सिद्क दिल से उसूल दीन को मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे, हाँ उनके कुलूब पर वो असरात अकायद इस्लामी जो आए कि जो सख्त हो जाए और नफ्स में तब्दीली ले आए वो अभी नहीं हुआ है। तो ये एक फर्क ईमान और इस्लाम का और है, और इसकी तत्बीक जो आपको नजर आती है वो ये है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में, अपने अस्हाब में बास के बारे में गुफ्तगु करते हुए कहा कि ईमान के 10 दर्जे हैं और सलमान 10वें दर्जे में है, अबू जर 9वें दर्जे में है, मिकदाद 8वें दर्जे में है, फलां फलां दर्जे में है। तो अब यहाँ पर अगर हम अकायद और दीन की बात करें तो सबका एक है, ऐसा तो नहीं कि अबूजर के अकायद कुछ और हैं और सलमान के अकायद कुछ और हैं, अकायद सबके एक ही हैं लेकिन ईमान में फर्क है, यानी वो असरात अकायद असरात कबूलियत हिदायत हर कल्ब में अलग है। तो इस एतबार से ईमान की कैफियत भी हर कल्ब में अलग है। तो ये तीन वजाहतें हमने ईमान के सिलसिले में कर दी। बहरहाल ये एक ज़िम्नी गुफ्तगू थी, हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है वो अदालत है, और हमने सरनामा कलाम में कुरान की 2 आयतें तिलावत की। पहली आयत जो हमने तिलावत की सूरह हामिम सजदा की, उसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि वमा रब्बुका बिज़ज़्ज़ामिल लिल अबीद, तेरा रब कभी बंदों पर जुल्म नहीं करता, ये मुमकिन नहीं है कि तेरा रब बंदों पर जुल्म करे। और दूसरी आयत जो हमने पढ़ी उसमें इरशाद रब्बुल इज्जत है कि तम्मत कलिमतो रब्बिका सिद्कं व अदला, तेरे रब का कलिमा सदाकत और अदालत पर तमाम हुआ। अब इन दोनों आयतों की तशरीह फिलहाल हम आज की गुफ्तगू में नहीं करेंगे, लेकिन आज की गुफ्तगू में हमने एक बात जो आपको बताई वो ये बताई कि अदालत तुर्रे इम्तियाज है मकतबे तशय्यो का, दूसरी बात हमने ये बताई कि अदालत उसूले ईमान है। अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं और अब
हमारी गुफ्तगू जो है वो ये है कि अदालत खुद क्या है और अकीदा अदालत क्या है, अदालत क्या है, अकीदा अदालत क्या है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अदालत एक ऐसा लफ्ज है या अदल एक ऐसा लफ्ज है जो हम मुख्तलिफ मफाहीम में इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अदालत इलाहिया पर गुफ्तगू करने से पहले हम ये बता दें कि दीगर मकामात पर जब लफ्ज अदल या अदालत इस्तेमाल होता है तो मफहूम कुछ और होता है, लेकिन जब हम अल्लाह के लिए लफ्ज अदालत इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमारा मफहूम क्या है वो हमें इस गुफ्तगू में आपके सामने रखना है। देखिए, जैसा कि अभी हमने कहा कि अदालत का लफ्ज हम मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें लफ्ज अदालत कानून की जबान में इस्तेमाल करें, तो जब हम कानून की जबान में लफ्ज अदालत इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई मुजरिम कानून की गिरफ्त से बाहर न जाने पाए, कोई मजलूम ऐसा ना हो कि जिसको इंसाफ ना मिले, कोई मुजरिम ऐसा ना हो कि जिसकी सजा उसके जुर्म के मुतनासिब ना हो, यानी जितना जुर्म हो उतनी ही सजा हो, ना ज्यादा ना कम। तो इस किस्म की चीजों को जब हम जमा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये अदालत है, ये अदल है। अच्छा, लेकिन जब हम आते हैं इल्म अखलाक के दायरे में तो हम उस शख्स को आदिल कहते हैं जिसने अपने कवाए नफ्स को मुतवाजन कर लिया हो और ख्वाहिशात गजब इससे मुताल्लिक तमाम मुहर्रिकात को अक्ल के ताबे कर लिया हो और हर जज्बा उसका हद एतदाल में हो, न इफरात में न तफरीक में, उसको हम मर्द आदिल कहते हैं। ये इल्म अखलाक की बात हो, लेकिन इल्म शरीयत में आप अक्सर सुनते हैं कि भाई हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो आदिल नहीं। वहां आदिल से हमारी क्या मुराद होती है? वहां आदिल से हमारी मुराद ये होती है कि वो शख्स कि जो अपने नामाए आमाल को गुनाह से पाक रखे, यानी या तो गुनाह करेगी और अगर उससे गुनाह सरजद हो तो माफी में और तौबा में देर ना करे और नामाए आमाल से गुनाह को मिटवा दे। ये है अदालत की एक शरई तारीफ। अलबत्ता अभी जो हमने मिसाल दी आदिल के पीछे नमाज पढ़ने की, वो उसमें थोड़ी और लचक है कि एक ऐसा शख्स कि जिसके गुनाह से उसके गिर्दोनवाह के लोग वाकिफ ना हो, उसको हम मर्द आदिल समझ लेते हैं और उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो ये तमाम जो तारीफें अदालत की हैं ये माशरती तारीफें। तौहीदी तारीफ अदालत की क्या है? तौहीदी तारीफ अदालत की समझने के लिए हमें इसकी जिद से समझना पड़ेगा कि अदल की जिद क्या है। अदल की जिद है जुल्म। तो जहां जुल्म का शायबा होगा वहां अदल नहीं होगा और जहां जुल्म नाम की कोई चीज ना हो वहां अदल हो। ये तो समझाने की बात है, लेकिन मसला यह कि खुद अदल क्या है। देखिए, हम अदल को समझने के लिए अदल के दो पहलुओं की तरफ तवज्जो देते हैं। एक अदल या अदालत आलम तकवीन में और एक अदल या अदालत आलम तशरीन में। आलम तकवीन में अदालत का जहां तक ताल्लुक है वो इतनी वाज़ह और खुली हुई है कि कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। तौहीद की नशिस्तों में
हमने बड़ी तफसील से तस्किरा किया था कायनात के निजाम की सेहत का, यानी एक्यूरेसी का, कि निजाम कायनात जिसमें अरबों खरबों सैयारे सितारे सूरज चांद मौजूद हैं, जिसमें बहुत सी कहकशाएं हैं, जिसमें बहुत से निजाम हाय शमसी हैं, उनकी जो सेहत है, जो एक्यूरेसी है, वो इतनी ज्यादा है कि माहिरीन ने एक सदियों के हिसाब उस पर लगा लेते हैं इस इत्मीनान के साथ कि कहीं जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा। तो अब इसकी तफसील में तो हम आज नहीं जाएंगे कि तकरार हो जाएगी, क्योंकि एक तो आप लोग खुद इल्म हयात से कॉस्मोलॉजी से वाकिफ हैं, और दूसरी चीज यह है कि तौहीद की नशिस्तों में इसका जिक्र भी हो चुका। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़, हम मखलूकात को जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने हर शय को बेहतरीन अंदाज में खल्क किया। जहां तक इंसान का ताल्लुक है, लकद खलकना इंसान फी अहसन तक़वीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेहतरीन अंदाज में इंसान को खल्क किया। लेकिन रब्बुना लज़ी आता कुल्ल शयइन खल्क़हू सुम्मा हदा, परवरदिगार आलम ने हर शय को बेहतरीन अंदाज में खल्क किया है। और ये गुफ्तगू हम तौहीद के किसी दर्स में कह भी चुके हैं कि मखलूकात परवरदिगार आलम कामिल होती हैं और उसके बाद मुतनासिब होती हैं, उससे आगे आप और बढ़ें कि वो सूरत तख्लीक, वो कैफियत तख्लीक परवरदिगार आलम हर मखलूक को अता करता है जिससे बेहतर मुमकिन नहीं। यानी अल्लाह बेहतरीन के मियार से उतर के बेहतर पर भी नहीं आता, बेहतरीन पर ही रहता है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, हम अपने मतमय नजर को समझाने के लिए मिसाल के तौर पर आपको एक मामले में मुतवज्जे करें। जैसे अल्लाह ने हमारा जिस्म खल्क किया है, हमारे आज़ाओ जवारे खल्क किए, कानों की जगह कान बनाए, आंखों की जगह आंखें बनाई, नाक की जगह नाक बनाई, अगर थोड़ी देर के लिए हमसे ये कहा जाए या आपसे ये कहा जाए कि भाई परवरदिगार आलम ने आपको ये पैगाम भेजा है कि मैंने तुम्हारी आंखें तुम्हारे जिस्म के एक खास मकाम पर करार दे दी थी, आज मैं तुम्हें ये अख्तियार दे रहा हूं कि अगर तुम चाहो तो इसकी जगह तब्दील करवा लो, जहां कहो वहां लगा दो। अब आप गौर करें कि जहां पर आपकी आंखें हैं पूरे जिस्म में इससे बेहतर कोई जगह है जहां आप आंखें लगवा लें? आप जितना भी गौर करें आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जहां हैं उससे बेहतर कोई जगह। ये एक मिसाल हमने दिया। इसी तरह मखलूकात की हैअत वजूद, मखलूकात का मकसद वजूद, मखलूकात की वो तमाम सिफात जिनके साथ उनको खल्क किया गया है, वो फितरतें, वो जबिल्लतें जिन पर उनको खल्क करके वजूद बख्शा गया है, अगर हम उनके ऊपर गौर करें तो हम ये देखते हैं कि इस मेयार से बेहतर कोई मेयार हो ही नहीं सकता था, इसमें हम कोई तसी नहीं कर सकते, इसमें इसको इससे बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सकते। तो अब अगर हम आपसे ये सवाल करें कि परवरदिगार आलम में क्या ये कुदरत नहीं थी कि वो इस मेयार से नीचे आ जाता, इसमें आर्य आला तरीन से कम मेयार के ऊपर मखलूक की तख्लीक कर देता, तो आप कहेंगे बिल्कुल थी, चाहता तो कर सकता था। तो अब हमारा सवाल ये होगा कि फिर वो कौन सी बात है, वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सी शय थी कि जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने अपने आप को बेहतरीन के मेयार से नीचे नहीं आने दिया? तो फौरन ही हमारे जहन में ये सवाल आएगा और ये जवाब भी उसका आ जाएगा कि कोई बैरूनी ताकत अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकती,
ना कोई बैरूनी ताकत अल्लाह पर असरअंदाज हो सकती है, ना कोई बैरूनी ताकत अल्लाह को मशवरा दे सकती है। तो फिर वो कौन सी शय है जो अल्लाह को बेहतरीन से बेहतर तक नहीं आने देती, बेहतरीन पर ही रखती है, इसको हम कहते हैं उसकी सिफत अदालत। ये उसकी सिफत अदालत है कि वो बेहतरीन से नीचे आते ही नहीं। तो बेहतरीन मकाम पर, बेहतरीन मेयार पर जो शय अल्लाह को रोके रखती है वो कोई बैरूनी ताकत नहीं है, वो अल्लाह का मेयार अजमत व बुजुर्गी है, वो अल्लाह का मेयार हिकमत है, वो अल्लाह की सिफत अदालत है। तो ये अदालत की एक उमूमी तारीफ आलम तकवीन के एतबार से। लेकिन जब हम तशरी के एतबार से आते हैं तो वहां पर हमें एक और मतमय नजर से अदालत को देखना होता है। वो है एक बुनियादी चीज, हुस्न कुबह अकली। ये हमारा और इशायरा का एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। इशायरा हुस्न कुबह अकली को नहीं कबूल करते। वो ये समझते हैं कि हुस्न उह जो है वो सिर्फ और सिर्फ करारदादी है, अकली नहीं। जब हम हुस्न उह को अकली मानेंगे तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह ने जो काम किया सही किया। लेकिन अगर हम हुस्न उह अकली को नहीं मानेंगे तो हम ये बात नहीं कह सकते। अब इसको समझाने के लिए पहले तो आपको हुस्न कुबह अकली हम समझा दें, फिर उन एतराजात की तरफ आएंगे जो मकतब इशायरा अकीदा अदल के जिम्न में मकतब अहले बैत पर। हुस्न कुबह अकली एक तसव्वुर है अच्छाई और बुराई, ये फितरत इंसान में अल्लाह ने रखा है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, हमने उसको अच्छाई और बुराई का इल्हाम कर दिया, यानी अच्छाइयों को वो अच्छाई समझता है और बुराइयों को बुराई समझता है। तो इसको हम कहते हैं हुस्न कुबह अकली। यानी अगर हम कहें कि सदाकत अच्छी चीज है तो ये हुस्न अकली है, अगर हम कहें कि जुल्म बुरी चीज है तो यह कुबह अकली है। लेकिन अगर वो चीजें कि जिनमें अकलन कोई खूबी या कोई खराबी नहीं है लेकिन किसी माशरे ने उसको अच्छा या बुरा करार दे दिया, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपने माशरे में, आपके यहाँ तो खैर सर्दी होती है जरूरत नहीं होगी, जैसे हमारे गर्म इलाकों में हम एक मर्तबा नेकर पहन के और बगैर जूते और मोजों के, चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के किसी तकरीब में चले जाएं तो अकलन तो इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन करारदादी तौर पर ये बुरा है, माशरे में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाएगा। इसी तरह हर माशरे में बास चीजें ऐसी होती हैं जिनको बुरा समझा जाता है, कहीं पैर फैला के बैठना बुरा समझा जा रहा है, कहीं और कोई चीज बुरी समझी जा रही है। तो वो जो बुरा समझा जा रहा है वो करारदादी है, उसमें अकलन कोई बुराई नहीं। लेकिन एक बुराई वो होती है जो अकलन बुरी होती है, एक खूबी वो होती है जो अकलन अच्छी होती है, यानी उसमें अकली और फितरी तौर पर खूबी है, ये नहीं कि हमने उसको बुरा करार दे दिया। अच्छा, अब हमारे यहां मसला यह है कि हम कहते हैं कि हुस्न कुब जो है वो अकली है, यानी अच्छाई और बुराई अकली है,
और जब अच्छाई और बुराई अकली है तो परवरदिगार आलम की अदालत का तकाजा ये है कि किसी बुरी शय का हुक्म ना दे और किसी अच्छी शय से मना ना करे। इशायरा का नजरिया इस मामले में अलग है। वो कहते हैं कि अल्लाह के लिए ना कोई अच्छाई है ना कोई बुराई, ना अल्लाह को किसी को जवाब देना है, ना अल्लाह के अमल पर कोई उंगली उठा सकता है, वो जो चाहे करे। अब जो अल्लाह करे, जो अल्लाह का फेल है, ठीक है, अल्लाह का फेल है, अच्छा है। और दूसरी बात को ये कहते हैं कि अच्छाई और बुराई का ताल्लुक तो शरीयत से है कि भाई शरीयत ने शराब को बुरा करार दिया, शरीयत ने झूठ को बुरा करार दिया, शरीयत ने किसी चीज को बुरा करार दिया या शरीयत ने किसी चीज को अच्छा करार दिया। तो अल्लाह कोई शरीयत का पाबंद थोड़ी है जो अल्लाह के लिए अच्छाई और बुराई है, लिहाजा अल्लाह जो चाहे कर सकता है। दूसरा एतराज उनका यह है कि जब एक मकतबे तशय्यो से गुफ्तगू करने वाला ये कहता है कि अल्लाह आदिल है, वो जुल्म नहीं कर सकता, तो उनका एतराज ये होता है कि इसका मतलब आप अल्लाह को आदिल मुतलक नहीं मानते, अल्लाह तो जो चाहे कर सकता है, ये क्या बात हुई जुल्म नहीं कर सकता, उसको किससे उसने उसको किसने रोका है जुल्म करने से, चाहे तो जुल्म करे। तो यहां पर हमारी वजाहत ये होती है कि जैसे एक आला जर्फ इंसान ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, एक आला जर्फ इंसान ये कहे कि मैं धोखा नहीं दे सकता, एक आला जर्फ इंसान ये कहे कि मैं रिश्वत नहीं ले सकता, एक आला जर्फ इंसान ये कहे कि मैं हराम नहीं खा सकता, तो इसका मतलब क्या ये है कि उसमें कुदरत नहीं है, उसमें ताकत नहीं कि वो हराम खा ले, उसमें ताकत नहीं है कि वो झूठ बोल ले, उसमें ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है कि वो बुराई को अंजाम दे, ऐसा नहीं है। जब वो ये कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं जुल्म नहीं कर सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकने में जिस मजबूरी की तरफ वो इशारा कर रहा है वो कुदरत के ना होने की मजबूरी नहीं है, वो उसकी आला जर्फी की मजबूरी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, कि उसकी आला जर्फी ये नहीं गवारा कर सकती कि वो ये बुरा काम कर ले। तो बस इसी तरह परवरदिगार आलम की अजमत, उसकी बुजुर्गी, उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई, उसकी जात का बेऐब होना इस बात का मुतकाजी है कि वो जुल्म ना करे, वो कोई बुराई ना करे, वो कोई गलत बात का हुक्म ना दे, वो किसी अच्छी बात से ना रोके। तो ये है हमारे पास तसव्वुर अदालत इलाहिया। अब जब हम कहते हैं कि हम अल्लाह को आदिल मानते हैं, तो वहां हमारी मुराद ये होती है कि जिस तरह ज़ाते बारी ताला अपनी जात में बेऐब है, इसी तरह अपने अफ़ाल में भी बेऐब है। उसका कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो किसी एतबार से ऐब के जुमरे में आए। अब यहां पर वही वाली बात है कि इशारा ये कहते हैं कि अल्लाह के लिए कोई ऐब ही नहीं, और हम ये कहते हैं कि जितनी हस्ती आला और बुलंद होगी उसके लिए ऐब का मेयार जो है वो उसी एतबार से बुलंद हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक आम इंसान है, वो रास्ता चलते हुए उसे भूख लगी और उसने कहीं खड़े होके फुटपाथ पर दुकान के आगे कहीं कोई खाने की चीज खरीद के खा ली। एक आम आदमी है, कोई उसके लिए इसमें ऐब नहीं कहेगा कि इसमें उसका ऐब है, उसने बुरा किया। लेकिन एक बड़े मुअज्जम और बड़े बाइज्जत आलिम दीन हैं, वो सड़क पर फुटपाथ पर खड़े होकर कुछ खाने लगे तो लोग कहेंगे कि साहब ये इनके शायान शान तो नहीं था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
यानी जितना इंसान का या हस्ती का वजूद का मेयार अजमत बढ़ता जाएगा उतना उसके लिए ऐब जो है वो बहुत सी चीजें जो आम लोगों के लिए ऐब नहीं है वो उसके लिए ऐब हो जाएंगे। तो अल्लाह से अजीम जात कौन सी है? तो अल्लाह से तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जर्रा बराबर कोई ऐसा काम करे जो ऐब में शुमार होता हो। तो इस एतबार से हमारी नजर में अदालत इलाहिया परतौ है उसकी अजमत और बुजुर्गी का, ना कि उसकी कुदरत का नक्शा। और इस एतबार से जब हम ये कहते हैं कि हम जर्रा बराबर भी नेकी करेंगे तो हमें 100% यकीन है कि अल्लाह उसका अजर जरूर देगा। हम थोड़ी सी भी नेकी करेंगे, थोड़ा सा भी अगर अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे तो अल्लाह हमारी तरफ जरूर बढ़ेगा। हम कोई भी काम करें बारगाह खुदाबंदी में जाया नहीं होगा। तो ये यकीन हमें क्यों पैदा हो गया भाई? अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो हमारी सही का हमें लाजमन अजर दे? उसको कौन रोकने वाला, उसको कौन टोकने वाला, उससे कौन पूछने वाला? वो मालिक अल अखलाक है, फिर हमारे ऊपर पूरा अख्तियार भी रखता है। तो वो क्यों इस बात का पाबंद हो जाए कि हमारी जर्रा बराबर नेकी का अजर जरूर दे? वो इस बात का पाबंद सिर्फ इसलिए है कि आदिल है। ये उसकी सिफत अदालत है कि वो इस बात का पाबंद है। यानी अल्लाह अपनी अदालत की वजह से बहुत से उमूर अपनी जात पर वाजिब कर लेता है। कोई और बाहर से ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह पर कोई चीज वाजिब कर दे, जो अल्लाह को पाबंद कर दे, कोई चीज नहीं। यह खुद उसकी सिफत अदालत है कि वो अपने आप को पाबंद कर दे। अच्छा, यहां तक बात पहुंचने के बाद जो चीजें हमने एक तजवीज के तौर पर पेश की थी कि हम आज की गुफ्तगू में उनको पेश करेंगे, उसमें एक चीज अभी हमारी तवज्जो मबजूल हुई कि वो रह गई। वो ये है कि परवरदिगार आलम की सिफात, जब हमने इस हद तक बात कर ली तो हमने ये साबित कर दिया कि अदालत अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है। तो अल्लाह की सिफात तो और भी बहुत सी हैं, खास तौर से जो बुनियादी सिफात ज़ात हैं, हयात है, इल्म है, कुदरत है, ये तो बिल्कुल बुनियादी सिफात हैं परवरदिगार आलम की। तो उनको तो हमने उसूल दीन में या उसूल ईमान में शामिल नहीं किया, लेकिन अदालत को हमने उसूल ईमान में शामिल कर लिया या उसूल दीन में शामिल कर लिया। तो भाई ये ऐसा क्यों किया? जब सिफत है तो सिफत है, सिफत की हद तक रखें, उसूल में क्यों आ गई? रहमानियत तो उसूल में नहीं आई, रहीमत तो उसूल में नहीं आई, कादिर मुतलक होना तो उसूल में नहीं आया, तो फिर अदालत क्यों उसूल में आ गई? तो उसकी वजह यह है कि परवरदिगार आलम की जितनी भी सिफात हैं, और खास तौर से वो सिफात जिनको हम सिफात अफाली कहते हैं, उन सिफात का बरूए कार आना बगैर अदालत मुमकिन ही नहीं। यानी अल्लाह की हर सिफत पर उसकी सिफत अदालत जो है वो गालिब है, उसके ऊपर उसका गलबा है। यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह हादी है तो क्यों है? उसको क्या पड़ी लोगों की हिदायत करने? किसने उससे कहा कि हिदायत करो? किसने उसको मजबूर किया है? किसको जवाब देना? ये उसकी अजमत तो किब्रियाई और बुजुर्गी है कि उसने हिदायत को अपने ऊपर वाजिब किया, किसी और ने नहीं किया। तो इस एतबार से नबुवतों का कयाम कोई जरूरी नहीं था अगर हिदायत अल्लाह पर वाजिब ना होती, और हिदायत अल्लाह पर वाजिब किसी और ने नहीं किया, उसकी अदालत ने उस पर हिदायत को वाजिब। इसी तरह से अगर हम इमामत को मानते हैं तो इमामत तहफ्फुज़े कारे नबूवत है। अब अल्लाह ने अगर ये वादा किया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी जो कारे नबूवत मेरे रसूल ने अंजाम दिया है उसकी हिफाजत मेरे ऊपर वाजिब है, कोई और नहीं कर सकता, ये मैं करूंगा,
तो भाई किसने अल्लाह को पाबंद किया? नहीं कर रहे हो? कौन पूछेगा अल्लाह से कि क्यों नहीं किया? कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये उसकी अदालत है जिसमें उसको इस काम के करना, उस काम का करना उसके लिए जरूरी करार पाया। या कयामत तो हमारा ईमान है कि परवरदिगार आलम आमाले हसना की जजा जरूर देगा, परवरदिगार आलम जालिमों को सजा जरूर देगा, परवरदिगार आलम ने अगर ये वादा किया है कि मैं बंदों पर लुत्फ व करम करने वाला हूं तो परवरदिगार आखिरत में लोगों पर बे इंतहा लुत्फ व करम करेगा। तो ये सब कुछ क्यों करेगा? भाई ना करे, उसको किसने पाबंद किया? उसको पाबंद किया उसकी अदालत ने। तो इस एतबार से कोई भी शोबा, कोई भी उसूल, कोई भी फेल इलाही जो है वो अदल से खाली नहीं है। या ये कहें कि हर शय के ऊपर अदल गालिब है या हर शय की वजह अदालत है, इसलिए हमने अदालत को तौहीद के फैलाव में शामिल किया। और हम तौहीद को मुकम्मल नहीं समझते जब तक के अदालत का तसव्वुर तौहीद में शामिल ना हो जाए। और वही सूरत आगे चल के आएगी नबूवत के कमाल की, कि नबूवत कामिल नहीं होगी जब तक के तहफ्फुज़े कारे नबूवत मुकम्मल ना हो जाए। तो इस एतबार से हम अकीदे अदालत को अपने एक उसूल के तौर पर पेश कर। लेकिन अब ये तो हमने एक बुनियादी गुफ्तगू कर ली, अब मसला जो आता है वो एक और आता है। वो मसला ये आता है कि जब हम ये तय कर लेते हैं कि अल्लाह आदिल है और हमारे साथ मजबूरी है अवामुन्नास के साथ। देखिए, एक शय होती है कि अल्लाह की अजमत और बुजुर्गी की मारिफत हमें इतनी ज्यादा हो कि हम कायनात के असरार और रुमूज को अल्लाह की किबरियाई के आईने में देखें। ये खवास में है, अवाम में नहीं। अवाम की सूरत क्या है कि वो अल्लाह को पहचानने के लिए कायनात को देखते हैं, यानी अल्लाह की मारिफत का आईना कायनात है। अल्लाह की मारिफत का आईना निजाम है मुमलिकते बार परवरदिगार आलम। अब जब वो मजबूर हैं कि अल्लाह को उसकी मखलूकात से पहचाने, तो जहां कहीं उनको अपनी अक्ल के मुताबिक कोई कमी बेशी, कोई एरर नजर आता है, वहां वो परेशान हो जाते हैं कि साहब ये क्यों, अल्लाह तो आदिल है ये क्यों, अल्लाह तो आदिल है ये क्यों, अल्लाह तो आदिल है ये क्यों। वो शुकूक और शुभात हमारे यहाँ आम है और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। हमारा इरादा आज ही करने का था, लेकिन अंदेशा था पहले भी हमें कि शायद हमारी गुफ्तगू लंबी ना हो जाए, और अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हमारी गुफ्तगू इतनी हो गई है कि अब हम इन मसाइल को आज शायद ना छेड़ सकें। लेकिन ये याद रखिए कि अभी हमने कहा अदालत आलम तकवीन, अदालत आलम तकवीन के लिए हम आलम तकवीन के नज्म जब्त के जरिए अल्लाह को आदिल मानने जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हकीकत में मारिफत खुदावंदी रखता है तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि पूरी कायनात जो है ये कुछ भी नहीं है, ये सब की सब परवरदिगार आलम के वजूद का परतव है। और जब पूरा आलम मौजूदात खुदाए बेऐब की जात का परतव है, तो जो शय बेऐब हो उसका परतव जो है वो बेऐब होगा, उसमें कोई ऐब हो ही नहीं सकता। लिहाजा वो कायनात में ऐब तलाशी नहीं करता, सिर्फ हुस्न ही तलाश करता है। लेकिन वो कि जो कायनात के निजाम और कायनात के मामूलात के जरिए खालिक कायनात को पहचानने जाता है, उसके साथ ये मसला हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों है। अब उसमें जिन सवालात का उमूमन लोगों के अजहान में नुजूल होता है वो है
एक खास तसव्वुर कि लोग अदालत को, इंसाफ को, मसावात को एक चीज समझते। तो देखिए, इंसाफ, मसावात और अदालत ये एक चीज नहीं। इंसाफ काहे से बना है? नसफा, आधा कर, बराबर बराबर देना। दो आदमियों को बराबर बराबर बांट दें आप, 100 रुपए हैं, 50 इसको दे दें, 50 को, ये इंसाफ हो गया। मसावात क्या है? सबको एक नजर से देखना। अगर आपको कोई चीज तकसीम करना है तो सबको बराबर बराबर देना, इसको आप मसावात कहते हैं। लेकिन अदालत जो है वो मसावात या इंसाफ नहीं है। अदालत इससे मुख्तलिफ चीज है। आप मसावात की जब बात करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने कहा कि आपने ये कहा कि साहब अगर अल्लाह को अक्ल बांटना थी सबको बराबर बांट देता, दौलत बांटना थी सबको बराबर बराबर बांट देता, शोहरत बांटना थी सबको बराबर बराबर बांट देता, इल्म बांटना था सबको बराबर बराबर बांट देता। इसको हम दो तरीकों से आपके सामने रखें। देखिए, अगर आप अशियाए आलम की तरफ तवज्जो करें, सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं हवा को, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी को। हवा क्या है? मुख्तलिफ गैसों का आमेजा है, मिक्सचर है। अब उसमें एक तनासुब है नाइट्रोजन का, एक तनासुब है ऑक्सीजन का, एक तनासुब है दीगर गैसों का। हवा आपके लिए कारामद उसी सूरत में है कि जब नाइट्रोजन का तनासुब सबसे ज्यादा हो, ऑक्सीजन का उससे कम हो, दूसरी गैसों का और कम हो, जहरीली गैसें बिल्कुल ना हो। अब अगर हम कहें कि साहब ये क्या बात हुई, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्यों, ऑक्सीजन उससे कम क्यों, और कार्बन डाइऑक्साइड कम क्यों, और इसी तरीके से वो जहरीली गैसें कि जो इंसान की जिंदगी का खात्मा कर दें, वो क्यों नहीं, उन्होंने क्या खता की थी, वो क्यों नहीं, तो जाहिर है कि आप उसका जवाब दे सकेंगे। या आप कहें कि पानी, तो पानी में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये तो मसावात नहीं हुई, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। ऑक्सीजन कह सकती है कि भाई मैं 2 क्यों नहीं, मुझको भी 2 होना चाहिए, ये अदालत के खिलाफ हो जाएगा। मसावात, अदम है मसावात है लेकिन अदालत है। या और आप इसको सादा कर लें, एक खातून सालन पकाने बैठी, अब उनको प्याज भी इस्तेमाल करना है, लहसुन भी इस्तेमाल करना है, अदरक भी इस्तेमाल करना है, मिर्चें भी इस्तेमाल करना है, घी भी इस्तेमाल करना है, गोश्त भी इस्तेमाल करना है, पानी भी इस्तेमाल करना है। अब वो मसावात पर अगर आ जाए तो जितनी मकदार घी की है उतनी प्याज की होना चाहिए, जितनी गोश्त की है उतनी मिर्चों की भी होना चाहिए, उतनी नमक की भी होना चाहिए, तो क्या सालन पक जाएगा? मसावात अपनी जगह अपनी एक हैसियत रखती है, लेकिन अदालत मसावात नहीं है। सालन में नमक उतना ही पड़ेगा जितनी मकदार नमक की अपना किरदार बहुस्न खूबी अदा कर दे, यानी बेहतरीन अदा कर दे। जितना नमक बेहतरीन शक्ल पैदा कर दे सालन में, बेहतरीन जायका कर दे, बस उतना ही काफी। और जितने गोश्त की जरूरत है उतना गोश्त, और जितने पानी की जरूरत है पानी, सब चीजें बराबर नहीं होना है। तो हम अक्सर मसावात की तलाश में अदल की हकीकत को भूल जाते हैं। ये एक मसला था जिसकी तरफ आज हमने तवज्जो दिला दी, लेकिन अभी इसके आगे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से उमूर हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो दिलाना है। आज की हमारी गुफ्तगू सतही थी, बहुत आसान थी और बहुत ही बुनियादी थी। अब हम देखेंगे कि हमारे सामईन ने इसको किस अंदाज पर कबूल किया, उनके सवालात से हमारे जहन में ये बात वाज़े हो जाएगी, फिर हम देखेंगे कि हम इसके मेयार को कितना आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये
मौजू अदल का एक आला मेयार मांगता है। अभी इससे बुलंद मेयार पर गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन अब हम यहाँ पर अपने मेजबान जनाब डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब की इजाजत से अपनी गुफ्तगू को रोक रहे हैं ताकि हमारे सामईन जो हैं वो हमसे गुफ्तगू कर सकें, हमारे जो कुछ भी मारूजात उन्होंने सुने उसकी वजाहत तलब करें ताकि हम इस काबिल हों कि गुफ्तगू को आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आज़ खवातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तवज्जो से सुना ज़ाहिर है इस गुफ्तगू को। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कर लीजिए सवाल, लेकिन मैं एक सवाल कर लूँ इस दौरान में लोग अपने सवाल सोचें। मौलाना अभी आपने खाना पकाने की मिसाल दी, एक तो आपने अदल का यानी वहाँ पर मुजाहरा नहीं किया, भाई औरतें खाना क्यों पकाएं, मर्द भी तो खाना पकाते हैं। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, अच्छा छोड़ दीजिए। अब बात यह है कि हमारे माशरे में आमतौर पर खवातीन पकाती हैं, इसलिए तवज्जो खातून की आपका माशरा मौलाना तो 60 साल पुराना है। खैर चलिए, अभी आपने ये मिसाल दी खाने के अंदर के जी गोश्त इतना होगा और तेल इतना होगा और नमक इतनी होगी, मिर्ची इतनी होगी, तो इसका मतलब ये है कि नमक का नमक होना उसका मसला है, ठीक है ना, तो उसको इस वजह उसकी इतनी मिकदार पड़ेगी, लेकिन नमक को नमक बनाया किसने, नमक को गोश्त नहीं बना दिया अल्लाह ने। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो मसला है जिसके ऊपर अभी हम इंशाल्लाह बात करना थी हमें, और अच्छा हुआ कि आपने सवाल कर लिया कि नमक को नमक ही क्यों बनाया, गोश्त को नमक क्यों ना बना दिया, या और इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं कि परवरदिगार आलम की अदालत। अब देखिए एक चीज रह गई थी, अभी हम उसके ऊपर आएंगे, और इंशाल्लाह इस सवाल की वजाहत हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें हमारे जहन में थी और हम करेंगे तफसील से करेंगे, लेकिन आप सवाल आ गया है तो आप तो सुन ले। हाँ सुन ले, देखिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और कुरान में भी बार बार आया है लफ्ज हकीम अल्लाह के लिए, कि अल्लाह हकीम है, साहिब हिकमत है, तो अल्लाह का हकीम होना क्या है, अल्लाह का साहिब हिकमत होना क्या है। हम ये नहीं कहते कि हिकमत ही अदालत है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हिकमत भी दायरे अदालत में ही आती है, यानी अल्लाह का हकीम होना भी उसके दायरे अदालत में ही आता है। अच्छा, अब हम जब ये कहते हैं कि नमक नमक क्यों है, शकर क्यों नहीं, कि अल्लाह चाहता तो नमक को शकर बना देता, तो अब हम इसको दो पहलुओं से देखते हैं। पहली चीज जो है वो तो यही है कि एक मजमूई निजाम है कायनात, कायनात के मजमूई निजाम में बहुत से किरदारों की जरूरत थी, यानी ये नहीं हो सकता था कि हर सितारा सूरज होता, ये नहीं हो सकता था कि हर सैयारा चांद होता, ये नहीं हो सकता था कि हर पहाड़ समंदर होता, ये नहीं हो सकता था कि हर समंदर जजीरा होता, यानी पूरी कायनात की तशकील के लिए हिकमत के साथ कुछ किरदार थे, और हर किरदार अपनी जगह अपनी अहमियत रखता है। अगर हम एक मर्तबा ये तय कर लें कि पहाड़ होना तो बहुत अच्छी बात है, समंदर होना बुरी बात है, जैसे हम कहते हैं कि भाई भेड़ होना तो बुरी बात है, इंसान होना अच्छी बात है, शेर होना अच्छी बात है, बंदर गीदड़ होना बुरी बात है, तो ये हुस्न उबा करारदादी है, ये अकली नहीं है। अदालत की बुनियाद हुस्न उबे अकली पर है, हुस्न उबे करारदादी पर नहीं। तो आज यह तक आप जवाब को यहां तक रखें, इंशाल्लाह इसकी मजीद बजात है। ठीक है, और किसी के पास सवाल है कोई हजरात खवातीन अदल के मुताले, तो ठीक है फिर अदल के ऊपर फिर जवाब मजीद गुफ्तगू कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अब जो दिमाग में सवाल आए वो अगली गुफ्तगू में उसका जवाब हो, तो उस अगली गुफ्तगू तक उसका इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी के पास सवाल है तो अभी भी कर लें बेहतर है। मेरे पास एक सवाल है। हाँ बोले बोले जी, गो अहेड। जी जी, सलाम अलैकुम मौलाना साहब। ये आपकी गुफ्तगू से तो ये पता चला कि जो हम अदालत
को आम तौर पे इंसाफ समझते हैं वो सही नहीं है। अदालत तो है वो एक, जिसको मैं अंग्रेजी में कहूंगी कि पिनिकल ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन अदालत। जी, वो इंसाफ से उसको, इंसाफ या मसावात अदालत नहीं है, वो नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अगर जो हम आम तौर पे, आपने कहा कि लोग सवाल करते हैं, कह रहे अल्लाह की कुदरत इतनी सारी है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई ऐसा क्यों बना दिया, तो वो अदालत है कि वो उसमें भी परफेक्शन है, वो मसावात या इंसाफ नहीं है कि कोई आदमी काला क्यों है और कोई आदमी मोटा क्यों है, वो अल्लाह ने उसको भी परफेक्शन में ही बनाया। ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ऐसा ही है। हाँ, उसको ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक, समझिए, शुक्रिया जी। नदीम भाई, अच्छा जी, सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमने तो जो सुना है शुरू से, असूले दीन होते थे, फिर एक सलूए दीन होते थे, ये असूले ईमान क्या होते हैं, ये भी कोई अलग से लिस्ट है इनकी कोई? नहीं, आप उसको उसी तरह रखें, उसमें तब्दीली ना करें, उसूले दीन और फुरूए दीन ही समझें, और पांच चीजों को उसूले दीन समझें, बाकी को जो आपको 10 चीजें फुरूए दीन के तौर पर पेश की गई हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह, उसको फुरूए दीन ही समझें। हमने थोड़ी सी बात, आपने जो अब तक समझा है, जो अब तक सीखा है, उसको थोड़ा सा एडवांस किया, और वो इस बुनियाद पर किया कि जब हम उसूल दीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो दीन का कोई भी उसूल छोड़ने से इंसान को दीन से खारिज हो जाना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अदालत को न मानने वाले मुसलमान इस्लाम से खारिज नहीं हुए, और इमामत को न मानने वाले मुसलमान को भी हम इस्लाम से खारिज नहीं समझते। उसकी वजह यह है कि अदालत जो है वो तौहीद का ही शोभा है, या ये समझें कि तौहीद की ही मजीद वजाहत है, मारिफत तौहीद का आला दर्जा है, और इमामत मारिफत नबूवत का आला दर्जा है। अब हम ये कैसे चाहें कि हर शख्स आला दर्जे तक पहुंच जाए, जो अदना है उसको नहीं रहने दो, उसको उसूल की बुनियाद पर खारिज ना करें। इसलिए हम इन दो चीजों को तौहीद और नबूवत ही समझते हैं, लेकिन ये उसकी मारिफत के आला दर्जात हैं। इसलिए अब हमें कोई दूसरा नाम देना था, तो दूसरा नाम हमारे पास एक यही था कि हम उसको उसूल ईमान कह दें। अगर आप उसूल ईमान नहीं कहना चाहते तो जो दिल चाहे कह दें, कोई और नाम रख दें, मगर ये कि तीन चीजें जिन्हें हम तौहीद, नबूवत और कयामत कहते हैं, वो उसूल इस एतबार से हैं कि उसका मुनकर इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, और अदालत और इमामत का मुनकर जो है वो इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं होता, लेकिन जो इस्लाम का हासिल है यानी ईमान, जिसकी हमने तारीफ की, जिसके लिए हमने आयत पढ़ी, जिसकी हमने मिसालें दी आपको, के अकीदे का कल्ब पर असर, अकीदे का नफ्स पर असर, तो वो असर उस एतबार से कबूल नहीं हुआ है, इसलिए हमने उसको उसूल ईमान का, आप उसूल दीन कहें तो भी गलत नहीं। शुक्रिया। जो मैं समझाऊं वो ये कि शियों के यहाँ उसूल ईमान है और गैर शियों के यहाँ उसूल दीन है। नहीं, बात यह है कि उसूल दीन तो अपनी जगह है शियों के यहाँ भी। अब उसूल दीन में तौहीद को हम सरसरी नहीं लेते, उसकी गहराई में जाते हैं, उसकी वसतों में जाते हैं, उसकी मारिफत के दर्जात में जाते हैं, तो इसलिए हम अदालत तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह नबूवत को हम सरसरी नहीं लेते, नबूवत की मनाजिल को, नबूवत की मारिफत को, नबूवत के मकाम को, नबूवत की अहमियत को हम इस अंदाज पर समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें इमामत जो है उसकी गुंजाइश पैदा हो जाती है, यानी मारिफत इमामत की भी गुंजाइश पैदा हो जाती है। अगर हम नबूवत को उस
में आर तक ना ले जाए तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा फिर एक मिनट, अगर बिल्कुल मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो अहले तशय्यो का जो अकीदा है उसके अंदर उसूले दीन और उसूले ईमान एक ही है, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ उसूले दीन अलग है और उसूले ईमान उनके है ही नहीं, क्योंकि वो तो नबूवत उसको मानते हैं बिल्कुल, इसीलिए हम उनको गैर मोमिन कहते हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं। अच्छा बात ये समझते हैं कि भाई ये क्यों आप शियों को मोमिन क्यों कह रहे हैं, वो भी तो नमाज नहीं पढ़ता आप उसको मोमिन कह रहे हैं, वो तो रोजा नहीं रखता आप उसको मोमिन, तो बात ये है कि हम उसको मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार नहीं कह रहे हैं, मोमिन कह रहे हैं, यानी उसूल ईमान पर, उसूल ईमान पर जो रक्षा। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अहले सुन्नत वल जमात हमारे भाई जो हैं वो बेदीन मुसलमान है, इस्लाम में है, हम उनको मुसलमान ही मानते हैं, उनको वो बेदीन मुसलमान है, इसका मतलब है यानी बेदीन नहीं कहेंगे हम उनको, दीन मतलब दीन तो है उनके पास, दीन की यानी तौहीद और नबूवत की मारिफत के वो आला दर्जा जहां तक हम पहुंचते हैं वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब वाजे हुई बात, किसी के पास सवाल है और कोई अदल के मुतालिक या अदल के मौजू से हटके भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, वालेकुम। अच्छा लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया अदालत को, लेकिन जहां आके हम अटक जाते हैं वो वही हिकमत और अदालत का जो आपने एक्सप्लेन किया है कि इतनी दुनिया में सफरिंग है, ये वबा फैली, मिलियंस इसमें खत्म हो रहे हैं, तो हम बस ये अपने दिल को ये समझा लें कि यही इसी में इसकी कोई हिकमत है, लेकिन उसके साथ साथ एक तकलीफ जो है जो कि उनके रह गए जिनके बच्चे खत्म हो रहे हैं, माँ बाप खत्म हो रहे हैं, और वो 70 माओं से ज्यादा चाहता भी है, तो बस उसको जस्टिफाई करना और उसको रेकंसाइल करना वो जरा हमारे लिए मुश्किल होता है। जी हाँ बिल्कुल, हमें अंदाजा है और हमारा ये वादा भी है कि यही वो चीजें हैं कि जिनकी तरफ हम इंशाल्लाह अगली नशिस में तफसील से तवज्जो देंगे, क्योंकि हमने अभी एक बात कही कि हम मजबूर हैं कि हम मारिफत परवरदिगार आलम के लिए जरिया बनाते हैं मखलूकात को, कायनात को, निजामे कायनात को, अब उसमें हमें कोई अपने हिसाब से खराबी नजर आ जाए, अपने हिसाब से एरर नजर आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि जिसको हम खराबी या हम एरर कह रहे हैं, आया वो खराबी वो एरर जो है वो अदालत के से टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है, उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सही ठीक है। और खिज़र का वाकया जो है उसके अंदर तो लगता था मूसा को कि ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी, उन्होंने सुराख कर दिया किश्ती के अंदर, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो गड़बड़ नहीं करी थी उन्होंने, तो सुराख करना जरूरी, सुराख ना करते तो गड़बड़ थी। वाली बात है कि हर इंसान अपने इल्म की हद तक चीजों को समझता है और नतीजे निकालता है। सही बात, क्योंकि ये जो बात आपने मिसाल दी बहुत अच्छी मिसाल दी, जनाबे खिज़र ने जो जुमला कहा था उसका उर्दू तर्जमा हम कर दें, हजरत मूसा से वो यही कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम उन उमूर का इल्म नहीं रखते, इसलिए नहीं कि तुम सब्र की ताकत नहीं रखते, तुम सब्र कर इसको इल्म नहीं रखते, इल्म रखते होते तो सब्र कर लेते, सब्र कर लेते। सही बात। तो अब मसला यही है कि हमारा इल्म नाकिस है, हम ये समझते हैं कि हमने मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया, हालांकि हमारी हालत यह है कि सदियों से हम इल्म तिब में तरक्की कर रहे हैं और आज हम ये समझते हैं कि इल्म तिब में हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन उसके बावजूद हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम जिस्म इंसानी के हर राज को समझ चुके हैं। सही बात, अभी हम पीछे हैं। तो जब हम अपने जिस्म के रुमूज को नहीं समझ सके तो असरार और रुमूज कायनात को हम कहाँ समझ लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी साजिद भाई कैमरा भी खोल लें अगर शेव कर रखा है तो। जी इंशाल्लाह अगली दफा। अच्छा अच्छा, सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम। एक मौके पे किसी ने अदालत से डिसएग्री करते हुए ये एक आयत कोट की कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व इज्जो मन तशा व तज़िल्लो मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे जिल्लत दे, कहा यह उसकी अदालत के साथ नहीं बैठता, तो इसकी वजाहत करेंगे आप। जी हाँ, इसकी वजाहत फिलहाल एक हद तक हम किए देते हैं जी।
देखिए आयत आपने पढ़ी बतो इज्जुमन तशा तजिल्लुमन तशा, तशा मंशा से बने मशीयत चाहना। हम जब कहते हैं कि अल्लाह ये चाहता है यहदी मन यशा, जिसकी चाहता है हिदायत करता है, ये भी तो वही बात आ गई ना कि भाई हमारी हिदायत करना नहीं चाह रहा है, आप चाह रहा है, क्यों नहीं चाह रहा है भाई। तो बात यह है कि अल्फाज जब मुमकिनुल वजूद के लिए इस्तेमाल होते हैं तो मफहूम कुछ और होता है, और वही अल्फाज जब वाजिबुल वजूद के लिए इस्तेमाल होते हैं तो मफहूम कुछ और हो जाता है। हमारा चाहना और अल्लाह का चाहना एक जैसा नहीं है। अल्लाह का चाहना जो है उसके मतलब है किसी बात का हक होना, यानी किसी शय का को जिस तरह होना चाहिए वो है मशीयत। हमारा क्या है कि हमारा मूड है, हमारा तो दिल चाह रहा है हम इस वक्त कबाब खाएंगे, हमारा तो दिल चाह रहा है हम इस वक्त फुला चीज देखेंगे, तो उसके पीछे कोई वजह नहीं है। दिल चाह रहा है हमारा कबाब खाएंगे, लाओ दो, हमारा तो सब और कोई चीज खाने को दिल नहीं चाह रहा है। तो हमारी मशीयत, हमारा चाहना कुछ और है और अल्लाह का चाहना जो है वो कुछ और है। वहां यह है कि जब कहता है कि जिसको चाहता है हिदायत करता है, तो इसका मतलब यह है कि जो जितना हकदार हिदायत है उसको उतनी हिदायत, इसी तरह जो जितनी इज्जत के लायक है उतनी उसको इज्जत देता है। इस मानों में है चाहना, हमारी तरह चाहना नहीं है। एक चीज, एक मिसाल हमें आज देना थी, रह गई, अब आपने सवाल कर लिया तो हम दे देते हैं। देखिए फर्ज करें कि एक उस्ताद है, बड़ा मुखलिस उस्ताद है, बड़ा दयानतदार उस्ताद है और बड़ा काबिल, बड़ा फाजिल उस्ताद है, बड़ा माहिर उस्ताद है। उसके पास 25-30 शागिर्द हैं, वो सबके ऊपर, सबके सामने जो लेक्चर देता है सबके सामने देता है, ये नहीं कि चार को देता है, पांच को नहीं देता, दस को नहीं देता, सबको देता है। जो समझाता है सबके सामने समझाता है, जो नसीहत करता है सबके सामने करता है, यानी तवज्जुहात अपनी सब की तरफ बराबर मबजूल करता है, किसी में कोई कमी कोई बेशी कोई इम्तियाज कोई तफावत नहीं करता। जब इम्तिहान लेता है तो सबको एक ही पर्चा देता है, ऐसा नहीं कि किसी से कुछ और पूछे किसी से कुछ और पूछे, सबसे एक ही चीज पूछता है और पर्चा हल करने का वक्त भी सबको बराबर देता है, ये नहीं करता किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे। लेकिन जब नंबर देता है तो सबको बराबर नहीं देता, नंबर भी सबको बराबर देता है, जिसको जितने नंबर देना चाहता है देता है। तो अब उसका चाहना क्या है, मूड है, मूड नहीं है, इस्तेहकाक है। वाजे हुई बात? जी बिल्कुल जी। बिल्कुल इस्तेहकाक है या वो अदल कि जिसने जैसा जवाब दिया उस हिसाब से उसको नंबर दिए? जाहिर है, क्योंकि जैसा जवाब दिया है वैसे ही उसका हक है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। जिस बंदे का इस्तेहकाक, ये यानी टीचर की इस्तेहकाक की बात नहीं कर रहे हैं साजिद भाई, ये स्टूडेंट के इस्तेहकाक की बात कर रहे हैं। जी अच्छा ठीक है मैं टीचर का इस्तेहकाक जी, बहुत शुक्रिया मौलाना सर। अच्छा जी, अच्छा टाइम हो गया काफी मौलाना, मेरे पास दो तीन सवाल हैं मुतफर्रिक, उसका मुख्तसरन जरा जल्दी जल्दी जवाब आप दे दीजिए ताकि हम डेढ़ घंटे से ऊपर ना हो, मैं 1 घंटा और 13 मिनट हो गए हैं अभी। एक नशिस्त और होगी अभी अजल के ऊपर, तो उसके ऊपर उसमें भी आप सवाल कर सकते हैं। पहला सवाल मेरा ये मौलाना साहब, कुरान में कई जगह जिक्र है कि नमाज का जिक्र जो है रसूल अल्लाह से पहले भी किया गया है कि नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म पहले अंबिया को भी दिया गया, तो वो उस नमाज में और हमारी नमाज में कुछ ज़ाहिर फर्क रहा होगा, तो फर्क है या वो किस तरह? बात यह है कि कुरान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जमा हम नमाज करते हैं वो सलात है, अकीमुस सलात,
और उसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वातु ज़कात। तो बात यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, यानी एक तरीका इबादत का पेश किया जिसका नाम नमाज रखा, उर्दू में या फारसी में हम कहते हैं, अरबी में उसका नाम सलात रखा। तो एक मकाम जो तसव्वुर हमारे जहन में नमाज का आता है वो आता है कि खड़ा होना, सजदा करना, रुकू करना, बैठना, क़याम, क़ुउद, ज़िक्र, सलाम वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वो है एक तरीक़े इबादत इजहार बंदगी का। लेकिन लफ्ज़ सलात जिसके लोगवी माने दुआ के हैं, कुरान में जब सलात या ज़कात का तस्किरा आया है तो वहाँ हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मानों में आया है। जो बार बार कहा गया 82 मरतबा आतुस ज़कात कहा गया, बार बार कहा गया अकीमुस्सलात, थोड़ा दो देर बाद अकीमुस्सलात, 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 तो वो हुकूकुल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई गई और हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो दिलाई गई। ये नमाज जो हम पढ़ते हैं इसके अहकाम जो कुछ हैं वो पैगंबर इस्लाम के जरिए मिले हैं, इसका तरीका पैगंबर इस्लाम के जरिए मिला, और वो ज़कात जो हम देते हैं उसका निसाब पैगंबर इस्लाम के जरिए मिला, और उसकी आयत जो है वजूब ज़कात की वो अलग है। सही है। तो इसका मतलब ये कि ये जो हम जो नमाज पढ़ते हैं वो एक वन पॉइंट ऑफ हुकूकुल अल्लाह है। हाँ, अल्लाह उसके अलावा भी हुकूक अल्लाह है, जैसे कि हज है और रोजा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बार बार मैं पढ़ता हूँ इसके अंदर अर्शे इलाही को फरिश्तों ने उठा रखा है, अर्शे इलाही से क्या मुराद है? अच्छा हाँ, ये अर्शे इलाही की बात आपने बड़ी अच्छी छेड़ी। हम अर्शे इलाही के बारे में तफसीली बात करते हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि जवाब मुख्तसर दें, तो इसलिए हम जवाब मुख्तसर दिए देते हैं। लफ्ज़ अर्श जो है वो कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। तो अब मुख्तसर जवाब देना है, इंशाल्लाह किसी बात तफसीली जवाब देना होगा तो हम कुरान की आयतें पढ़ के बताएंगे आपको जी। और आइम्मा के अक़वाल बताएंगे। अर्श का लफ्ज़ बाज़ औक़ात तन्हा इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ अर्श हम बाज़ औक़ात कुर्सी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अर्श के मानों में जो एक बुनियादी माने हैं वो इल्मे इलाही, और जब हम कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुतमक्किन हुआ तो ये एक कनाया है निजाम कायनात को संभालने का। और जब हम अर्श इलाही का लफ्ज इस मानों में इस्तेमाल करते हैं कि जहां तसल्लुत के परवरदिगार आलम के जेर तसल्लुत अर्श आ रहा है, तो वहां पर अर्श का मतलब मुमलिकत परवरदिगार आलम, यानी पूरा आलम में मौजूदात है। तो इस एतबार से लफ्ज़ अर्श जो है उसके बुनियादी माने इल्मे इलाही के हैं, यानी वुसअत इल्मे इलाही जो है वो अर्श इलाही है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हामिला ने अर्श, अर्श को उठाने वाले, तो वहां पर भी अक्सर लोग तस्किरा करते हैं कि कुछ फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं। लेकिन हमारे पास जो तफसीर है इसकी वो ये है कि हामिलान अर्श वो उज्जतान खुदा हैं कि जिनके जरिए उलूम इलाही जो हैं वो बंदों तक पहुंचते। अच्छा, तो इस एतबार से अर्श अल्लाह का इल्म है। तो कुर्सी भी वही है, अल्लाह की कुर्सी जो है, कुर्सी एक उससे ज्यादा वसी लफ्ज है, और यहाँ पर हमारे मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जिस शय का जाहिर अर्श है उसका बातिन कुर्सी है, और बाज़ ये कहते हैं कि वो वसी कुर्सी उस समावाति वल अर्श जब हम कह रहे हैं तो वहां पर कुर्सी की वसत जो है वो अर्श से ज्यादा है, या बाज़ जगह अर्श की अजमत और उसकी वसत कुर्सी से ज्यादा बयान की जाती है। लेकिन बहरहाल ये इशारे और तनाए हैं परवरदिगार आलम की अजमत। और ठीक है ठीक है, किसी के पास सवाल है तो आप कर सकते हैं सवाल, वरना मैं किए जाऊंगा। मेरे पास दो सवाल और हैं मौलाना, अगर आप इजाजत दें तो मुख्तसर। एक सवाल ये है कि कुरान में कहा गया कि हमने इसको अरबी जबान में उतारा ताकि इन लोगों को समझने में परेशानी ना हो, जो कि वो है कुफार मक्का या मक्के के जो लोग हैं या अरब के जो लोग हैं,
तो मेरे सवाल ये है कि उस वक्त जो कि अरब का इलाका था उसके अलावा भी तो दीगर इलाके मौजूद थे, उस वक्त स्पेन भी था, उस वक्त ईरान भी था, उस वक्त ग्रीस भी था, तो ये अल्लाह मियां ने अपने पैगंबर उतारने के लिए जो है ये इसी इलाके को क्यों मुंतखब किया? भाई स्पेनिश में उतार देता कुरान स्पेन में, वहां कम से कम पढ़े लिखे तमीजदार लोग तो थे, कम से कम कुछ तो समझ लेते वो। जी हाँ, ईरान में आता, हिंदुस्तान में या यूनान में, तो वहां पर एडवांस लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। देखिए इसमें दो बातें हैं, जिसमें फिलहाल एक ही बात को आप ले लें, वो ये है कि परवरदिगार आलम ने जब आलम इंसानियत को, देखिए हर जमाने में उस जमाने के तकाजों के मुताबिक तसलसल हिदायत तो परवरदिगार आलम का जारी और सारी रहा, लेकिन पैगंबर इस्लाम की बेसत एक आखिरी बेसत थी, और इस बेसत के जरिए जो मारिफत, जो इल्म किताब व हिकमत आलम इंसानियत तक पहुंचना था वो हर्फ आखिर था। अब इसके बाद क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं थी, नई शरीयत आने वाली नहीं थी। तो अब परवरदिगार आलम ने अगर इंसानों के माशरों के तबकात के एतबार से किसी आला तबके से इसका आगाज किया होता तो वहां से बुलंदी की तरफ तो एक सफर होता रहता। यानी मिसाल के तौर पर स्पेन के लोग जिस तरक्की की सतह पर थे वहां से वो बुलंद होना शुरू हो जाते, लेकिन वो इंसानियत के जो स्पेन से पस्त थी वो रह जाती, क्योंकि अब ये नीचे तो नहीं जाता ना, ऊपर ही जाता। तो जरूरत इस बात की थी कि बिल्कुल निचली सतह से शुरू किया जाए कि उससे नीचे कोई सतह ही ना हो, कि सब उसमें आ जाए। तो अब क्योंकि अहले अरब सबसे ज्यादा पस्त थे, सबसे ज्यादा गुमराह थे, सबसे ज्यादा बिगड़े हुए थे, सबसे ज्यादा जाहिलियत में गिरफ्तार थे, उनसे ज्यादा जाहिल कोई था ही नहीं, तो कहा भाई यहां से शुरू करो, क्या भाई इनके नीचे तो कोई तबका ही नहीं है। तब यहां से ऊंचे होंगे तो ऊपर वाले तो आ जाएंगे बाद में, लेकिन ऊपर से शुरू करते तो नीचे वाले रह जाते। अच्छा, लेकिन उस खातिर का नतीजा उसका निकला नहीं कोई, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने अपनी अब वो नतीजा तो अल्लाह की ने तो कोशिश कर ली, अब नहीं निकला। ठीक जी नदीम भाई, मेरा इसमें ज़िमनन सवाल ये है कि अरब में तो चलो फिर उनकी जबान एक बहुत ही हम समझते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर जबान थी, इसमें तो कुछ इलाके ऐसे थे मसलन अफ्रीका के जंगलात में वैशी कबाइल हैं, अमेजोन के कबाइल हैं, वो तो इनसे भी शायद मेरे ख्याल में गिरे पड़े होंगे जबान के हिसाब से भी और तहजीब के हिसाब से भी। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि अफ्रीका में या जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया या हिंदुस्तान के भी जनूबी इलाकों में जो जंगली कबाइल आबाद थे, इस एतबार से हमारे इस जवाब के एतबार से वहां से शुरू होना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल ये है कि तबकात में जो हम फर्क देखते हैं उसके एतबार से दूसरी तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता जो इलाके थे उसमें अरब सबसे ज्यादा पस्त थे। अच्छा, जहां तक इससे ज्यादा पस्त लोगों का ताल्लुक है उसमें भी मसला एक यह आ जाता है कि वो जो जंगली कबाइल थे उनकी पस्ती से ज्यादा इन लोगों की पस्ती थी। ये इंसानियत के मियार से बहुत गिरे हुए थे। जंगली कबाइल को जो चीज नहीं मिली थी वो दुनिया की उन नेमतों से वो महरूम थे कि जिनसे शहरी आबादियां महरूम नहीं थी, लेकिन अकलन और किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से जो एक पस्ती थी इंसानियत के मियार से जिसने उनको गिरा के हैवान से भी नीचे कर दिया था, यानी वो दरअसल इंसान भी नहीं थे, हैवान थे। एक मर्तबा एक शख्स, एक सहाबी रसूल के पास आया और उसने कहा कि मैं एक ऐसी कौम को देख के आया हूं कि जिनकी जिंदगी हैवानों की जहां से, उनमें और हैवान में कोई फर्क नहीं।
अब ये हदीस पूरी इस वक्त हमारे जहन में अल्फाज के साथ नहीं है, हम सिर्फ मफहूम उसका बता रहे हैं। तो जो कि इसका जवाब जो दिया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका कुछ मफहूम इसी किस्म का था कि ये तो फिर भी बहुत बेहतर है, हम तुम्हें उन लोगों को दिखाएं कि जो इनसे भी पस्त हैं, यानी वो तो जानवरों के बराबर हैं, जानवरों से भी पस्त हैं। तो इस एतबार से हमारी नजर में अफ्रीका के या दीगर जंगली कबाइल जो हैं वो पस्त हैं, लेकिन वो इतने पस्त हैं कि बस जानवरों तक हैं, जानवरों से पस्त नहीं, ये तो जानवरों से भी पस्त हैं। सही। अच्छा, फरजाना का सवाल है, लेकिन फरजाना के सवाल से पहले मैं सिर्फ नदीम भाई के लिए एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एक बहुत जबरदस्त सीरियल आया था 15-20 साल पहले रूट्स के नाम से, जिसके अंदर वो दिखाते थे कि ये गोरे जो हैं अफ्रीकन को किस तरह अगवा करके वहां से हाईजैक करके वो यानी गिरफ्तार करके ला रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया था अफ्रीकन कबाइल का, और वो कबाइल जो थे ये जो हम गोरे लेके आ रहे थे कालों को भर भर के वहां से जहाजों में, उनसे उनका जो था माशरा बहुत बेहतर था ये गोरों के मुकाबले में। एक रूट्स के नाम से है, बहुत लंबी सीरियल है टीवी की। नहीं नहीं, मुझे वो सीरीज भी मैंने देखी है और मैंने ये नॉवेल भी पढ़ा है, इसके ऊपर मूवी भी देखी है। सही कह रहे हैं जी फरजाना जी। मौलाना साहब, एक और सवाल ये था कि ये जो अंबिया की हम कहानियां सुनते हैं सब तफसील से, वो कुरान में उनका जगह जगह जिक्र है, लेकिन एक जगह कहीं पूरी तफसील से पूरी कहानी नहीं है। जैसे कि हजरत इब्राहिम और नमरूद का जिक्र के वो अलाव बनना और फिर वो चिड़िया का पानी लेकर आना अपनी चोंच में, ये सब हमने कुरान से लिया है या ये और भी कोई सोर्सेस से हमने ये बनाई है जो ये कहानियां हैं? नहीं, ज्यादातर हमने कुरान से लिया है। अब ये और बात है कि जाहिर है कि वो गुफ्तगू जो गुज़िश्ता कौमों की जा रही है पैगंबर इस्लाम की बेसत से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, उस जमाने की हमारे पास बाकायदा तारीख नहीं है, ऐसी किताबें नहीं है कि उस जमाने के मौर्रखीन हों जिन्होंने किताबें लिख के दी हों। लेकिन पैगंबर इस्लाम और आइम्मा अहले बैत जिनको परवरदिगार आलम ने इल्मे लदुन्नी अता किया था, उन्होंने अक्सर वाकयात बयान किए हैं जो हम रवायतों की शक्ल में सुनते हैं और बयान करते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा के साथ ऐसा हुआ, एक मरतबा हजरत इब्राहिम के साथ ये वाकया पेश आया, एक दफा फलां नबी के साथ ये हुआ, एक दफा फलां मुकाम पर ये हुआ। तो वो चीजें जो हैं वो भी हमारे पास समझ लीजिए कि अगर बराह रास्त कुरान से नहीं तो उनसे आई हैं जो वारिसान उलूम कुरान है, मगर तारीख तो जाहिर है उस जमाने में नहीं थी। अच्छा, तो ये बस ये आखिरी सवाल है, फरजाने के सवाल से मेरे दिमाग में सवाल एक आया कुरान के बारे में कि कुरान जो है उसकी प्रेजेंटेशन दो तरह से ना मौलाना, एक तो कुरान ये है जो हमारे पास किताब की सूरत में है, इसका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है और जिस सीक्वेंस में उतरी है आयात वो डिफरेंट है, सही है ना? तो कुरान के अंदर जो शुरू में आयात आई है मक्का में वो कुरान में आखिर में है, और जो मदीने में आई है वो शुरू में है, और उसकी क्लासिफिकेशन इस तरह है कि जो यानी बायलॉज हैं या जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मदीने में आए हैं जबकि सुकून रसूलुल्लाह को हासिल हो गया था और कुरान इस्लाम मुस्तहकम हो गया था, और जो खाने यानी मक्के में जो सूरतें आई हैं उसकी वो जो है वो बेशतर सूरतें जो है वो कॉन्टेक्चुअल है, यानी कि अल्लाह मियां जो है वो रसूल अल्लाह से जवाब दिलवा रहा है। हाँ, वो अकायद से मुताल्लिक, तौहीद और कयामत से मुताल्लिक है। हाँ, तो वो अल्लाह मियां जवाब दे रहा है लोगों का, कुफार का, कि कुफार ये कहते हैं और कुफार का ने ये कहा और ये वगैरह वगैरह। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो कॉन्टेक्चुअल जो हिस्सा है कुरान का, वो उसकी रेलेवेंस आज की दुनिया में किस तरह हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? भाई वो तो अल्लाह रसूल अल्लाह ने जवाब दे दिया कुफारे मक्का को, कुफारे मक्का गए जहन्नुम में और फिर भी जाएंगे, तो अब वो मेरे लिए ये जो कुरान जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उसके अंदर जो आधे तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो उस गुफ्तगू पे है, डायलॉग के ऊपर है कुफार के साथ, तो उसकी रेलेवेंस आज के वक्त में कितनी है उस हिस्से के कुरान के? मेरे सवाल वाजे हो गए? बात ये हाँ नहीं वाजे हो गया। बात ये है कि कुरान में जिन चीजों का तस्किरा किया गया है वो आलम इंसानियत के वो मसाइल हैं जो कयामत तक उनको पेश आएंगे। जमाना हमेशा बदलता रहा है, बदलता रहेगा, अहद रिसालत से आज तक भी बहुत दफा इनकलाब आए, बहुत मरतबा जमाना बदला और आइंदा भी बदलेगा, लेकिन फितरत इंसानी जो है वो बहरहाल अपनी जगह है। ला तब्दीला लखल्क़िल्लाह,
انداز تخلیق پروردگار بہرحال ہوئی ہے. اب کفار کے سوالات اس وقت کے اعتبار سے جو کچھ بھی تھے ان میں جو فطری پہلو ہے وہ فطری پہلو ہر زمانے میں ہوئی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہاں حالات کے اعتبار سے وہ امور جو ان کے سامنے ہیں ان کے اعتبار سے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن ذہنیت ہے انسان, انسان کی فکر, انسان کی پہنچ بنیادی طور پر, اب وہ علوم کے ساتھ کہیں اور پہنچ جائے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے, بنیادی طور پر جہاں پہنچتی ہے وہی باتیں ہر زمانے کے لوگ کرتے ہیں. ہم اگر آج بھی اپنی نسلوں کو دیکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں پیچھے ہٹتے چلے جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بنیادی کیفیتیں جو ہیں انسانوں کی وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہیں گی. تو اس اعتبار سے اگر اس زمانے میں وہ لات منات قبل حزق کی پرستش کر رہے تھے تو وہ ان کے تصوراتی معبود تھے جن کو انہوں نے مجسمے کی شکل میں ڈھال لیا تھا. اب اس کے بعد وہ مجسمے ختم ہو گئے, اب وہ تصوراتی خداؤں کے بت نہیں ہیں, لیکن اذہان میں تصوراتی خدا آج بھی موجود. صرف بات اتنی ہے کہ وہ لات منات کی بات نہیں کرے گا, لیکن جو بات وہ کرے گا اس کی بنیاد بہرحال کسی فطری تصور پر ہوگی. اور فطری کا مطلب بھی ہمارا یہ نہیں ہے کہ جس فطرت پر انسان کو خلق کیا, بلکہ فطری سے مراد یہ کہ جو انحراف سے فطرت عام طور پر ہوتا ہے, اس زمانے میں بھی وہی ہوتا تھا آج بھی وہی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب اس وقت بہت واضح نہ ہوا ہو, لیکن انشاءاللہ وقت آنے پر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ہو سکتا ہے اس کی وضاحت ہو جائے. لیکن اب تک جو ہم آپ کا سوال سمجھے تھے اس کا جواب یہی. نہیں اب جس طرح میں ہی ہو سکتا ہے آپ کا سوال کچھ اور ہو, ہم کچھ اور سمجھے ہوں. نہیں میرا سوال ذرا میں نے ٹھیک سے فریز نہیں کیا سوال کو. اب تبت یادہ ابھی لامی ہوئے تب جو ہے وہ تو ابھی ابو لہب جو ہے وہ تو نہیں ہے نا, یہ ہر ایک کافر ابو لہب ہو سکتا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ابو لہب تو مر گیا کم وقت. صحیح بات یہ ہے کہ یہ کچھ اصول ہوتے ہیں جو پروردگار عالم دیتا ہے. دیکھیے ایک اہم پہلو ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ جب ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں منافقین کا ذکر ہے, منافقین سے پروردگار عالم براءت کر رہا ہے, یا کافروں سے ان کافروں سے گفتگو ہو رہی ہے جن سے براءت کا ذکر ہے, اور خاص طور سے منافقین اس میں زیادہ اس کے دائرے میں آتے ہیں. اچھا لیکن تبت یدا ابی لہب میں بھی اللہ کا غصہ اور اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار ہے, لیکن وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کہاں تک پروردگار عالم کی مخالفت جو ہے وہ برداشت کر لی جائے گی, کہیں نہ کہیں رحمت اور اس کا فضل شامل ہو سکتا ہے, اور کہاں سے نہیں ناقابل برداشت ہے. اس طریقے کے بہت سے اسرار و رموز ہیں قرآن میں کہ جن کو ہم اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے ہم براہ راست صرف اسی کو فوکس کریں, اس کے پیچھے کچھ پیغام ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. تو اب ہو گیا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ سے اوپر ہی ہو گیا. تو آزاد خواتین اگر آپ کے کوئی سوال آپ کے پاس اب نہیں ہے, آخری موقع ہے آپ کے پاس, تو پھر اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مولانا اگلے ہفتے کنکلوڈ کریں گے عدالت کے موضوع کو, اور آپ کے اگر سوال اس دوران میں ایک ہفتے کے بیچ میں اگر آ جائیں تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر آپ آ کے ہمارے پروگرام کے بیچ میں بھی وہ سوال کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ مولانا, آپ نے بہت عمدہ طریقے سے عدالت کا موضوع ہم پہ واضح کر دیا, اور ہماری عقل کے لیول کو دیکھتے ہوئے تو یہ بہت ہی اچھا ہو گیا انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا, اور آپ سے اب میں اجازت چاہتا ہوں, اور آپ بھی اجازت چاہ لیں حضرات خواتین سے. شکریہ.
ओके बहुत बहुत शुक्रिया अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारी गुफ्तगू बहुत तवज्जो से सुनी, और हमारे मेजबान का कि उन्होंने बहुत ही खुश असलूबी से और बहुत अच्छे अंदाज में हमारे ख्यालात को सामीन तक पहुंचाया और सामीन के सवालात को हम तक पहुंचाया। परवरदिगार इनकी भी तौफीक में इजाफा करे और हमारे सामीन के भी ईमान और मारिफत और इल्म में इजाफा करे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम इसी तरीके से बैठेंगे और इसी तरीके से गुफ्तगू दीन की इफहाम और तफहीम के सिलसिले में जारी रहेगी। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। बहुत शुक्रिया मौलाना।